नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओपी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर के ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहें। योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज, शामिल होंगे एक दर्जन नए चेहरे, चार मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में पिछले ढाई साल से सत्ता पर काजी योगी सरकार आज अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। नए मंत्रियों को सुबह 11 बजे लखनऊ के गांधी ऑडिटोरियम में शपथ दिलाई जा रही है। राजभवन के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करीबन दर्जन भर मंत्रियों को शपथ दिलाएगी। इसके साथ ही तीन चार राज्य मंत्रियों का कद बढ़ा करके उनको कैबिनेट मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जाएगी। अभी योगी आदित्यनाथ सरकार में 20 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 13 मंत्री शामिल है। गिरफ्तार होंगे चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अर्जी पर सीजेआई करेगी सुनवाई। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल राहत नहीं मिली है। जस्टिस रमन्ना ने केस चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने फिलहाल अयोध्या केस पर सुनवाई हो रही है। पी चिदंबरम मामले के बाद कब सुनवाई होगी इसका वक्त अभी तय नहीं हुआ है। इसी बीच पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। सीबीआई की एक टीम पी चिदंबरम के घर पर मौजूद है। सवाल है कि पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का क्या होगा, चिदंबरम को बेल मिलेगी या जेल। आपको बता दें कि पी चिदंबरम फिलहाल कहां है किसी को पता नहीं है, ना ही सीबीआई को और ना ही आईटी को। सूत्र बता रहे हैं कि उनका मोबाइल भी बंद है, ऐसे में उनकी तलाशी तेज हो गई है। ट्रंप ने अब की बार कश्मीर में हिंदू मुसलमान को घसीटा, दे दिया बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कश्मीर पर मध्यस्थता का राग अलापा है। अब की बार तो ट्रंप ने कश्मीर पर हिंदू मुसलमान भी करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि कश्मीर के लोगों में मेलजोल नहीं है। ट्रंप ने कश्मीर के हालात को विस्फोट भी बताया। जाहिर तौर पर ट्रंप कश्मीर के सच से अनजान है। ऐसा लगता है कि उन्होंने द्विपक्षीय मामले का मतलब ही नहीं पता है। तभी तो उन्होंने बयान में पलटने और इंटरनेशनल किरकिरी के बावजूद उन्होंने कश्मीर पर दोबारा मध्यस्थता का अलाप दिया है। मारा गया विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने और प्रताड़ित करने वाला पाकिस्तानी कमांडो। भारतीय वायुसेना के जबाज ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को हिरासत में लेने वाले पाकिस्तानी सेना के कमांडो को भारतीय सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर मार गिरे हैं। इसी साल फरवरी में भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्तमान का विमान पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया था। पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के शामिल सूबेदार अहमद खान ने अभिनंदन को हिरासत लेने के बाद उन्हें प्रताड़ित भी किया था। OnePlus TV का होगा ऐलान, अगले महीने सिर्फ भारत में होगा लॉन्च। OnePlus TV अगले महीने भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने कहा है कि भारत के बाद ही इसे दूसरे मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। यह प्रीमियम टीवी होगा और डिजाइन और क्वालिटी फीचर पर कंपनी ने इस पर खास ध्यान दिया है। महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ितों के लिए आमिर खान ने दिया 25 लाख रुपए की मदद और कई सितारे आ गए। महाराष्ट्र में कई इलाकों में इस साल बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। राज्य में इन दिनों बिगड़ते हालात के अब बॉलीवुड की ओर से मदद का हाथ आगे आ रहा है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और सिंगर लता मंगेशकर समेत कई कलाकार मदद के लिए आ गया है। बीते दिनों पहले अमिताभ बच्चन ने भी इसकी मदद के लिए बड़ी रकम डोनेट की थी। चिदंबरम पर कांग्रेस नेताओं ने किया बचाव, प्रियंका दिग्विजय खुलकर के सामने आए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि राज्यसभा के सम्मानित सदस्य पी चिदंबरम ने दशकों तक पूरी ईमानदारी के साथ वित्त और गृह मंत्री के रूप में देश की सेवा की है। उन्होंने बिना किसी संकोच के साथ सच बोला है और इस सरकार की नाकामियों को उजागर किया है, लेकिन यह सच इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कायरों की तरह उनके पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग उनके साथ खड़े और सच के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे, चाहे इसका नतीजा कोई भी हो। प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए रात जो कोशिश हो रही थी मैं उसकी निंदा करता हूं। सरकार हर समय राजनीतिक द्वेष की भावना पर क्यों कर रही है, ना एफआईआर के नाम पर, ना कोई प्रमाण पत्र और ना ही सीबीआई पर, ऐसा इस्तेमाल क्यों हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का भोपाल में निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल गौर का आज सुबह भोपाल में नर्मदा अस्पताल में निधन हो गया है। हृदय गति रुक जाने के बाद उनका निधन हो गया है। वह पिछले कई दिनों से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था।